पापन पापन रे पापन माँ क्या कर रहा है? सुना है तूने स्कूल छोड़ दिया? हाँ, मैं तो स्कूल कब का छोड़ दिया, अब काम करते हैं। काम? कैसा काम? वही साइकिल मिस्त्री करी धुत। अब हम तरक्की कर गए हैं, एक मोटर गैरेज में काम करते हैं। ओ, अब तुम पप्पन से पप्पन उस्ताद हो गया है। अच्छा बता, स्कूल का क्या हाल है? स्कूल में तो बड़ी मजा आता था। सरकारी स्कूल तो हम कब का छोड़ दिए, अब हम प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं। मनीर से सुनना चाहा है, सेब खान, जसीमा खान, तनवीर खान, तनवीर खान, अमूल, मजाज, उमा शंकर राजू और सीमा खान। पुलिस सुनिए ये गीत। हाँ तो बच्चों, हामिद की इच्छाएं तो बहुत थी, मगर जेब में पैसे थे कम। अगर वो चाहता तो अपने लिए मिठाइयां खरीद कर खा सकता, मगर उसने खरीदा क्या? चिमटा। रोटी सेकने वाला चिमटा। अच्छा है, बहुत पुराना है का। जानते हो उसने चिमटा काहे खरीदा? क्योंकि वह जानता था कि उसकी बूढ़ी दादी अमीना जब रोटियां सेकती थी तो उनकी उंगलियां जल जाया करती। क्यों रे पप्पन, जरा खड़ा होकर बताओ तो। बताओ, हामिद ने चिमटा काहे को खरीदा? मार्ट साहब, वो हामिद ने
हामिद ने कौन बताएगा? ठीक है बताओ तो। हामिद ने चिमटा अपनी दादी अमीना के लिए खरीदा। बेवकूफ कहीं का, न खुद पढ़ता है न दूसरों को पढ़ने देता है, क्लास को डिस्टर्ब करके रखे हुए है, मूर्ख कहीं का। चल बोल किकरा मार। अरे ये आकाशवाणी पटना की विज्ञापन प्रसारण सेवा है। अब आप FM पर मुख्य समाचार सुनिए। पूरे प्रदेश में आज मुहर्रम श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राज्य सरकार ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिम समाज के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। FM पर मुख्य समाचार समाप्त। नमस्कार। Thank you.
लगता है कि मेरा किस्मत है खराब। तोर किस्मत खराब हवा कि तोर कुर्मा के भेजा खराब हुई हम का जाने। इतना तो मालूम है कि साइकिल मिस्त्री का धंधा तोरा चौपट हवा। हम क्या करें, साइकिल को कोई पूछ ही नहीं रहा, जिसको देखो साइकिल फेंक फेंक के मोटरसाइकिल ले रही है। अब ये भी हमारे कसूर है, सोच तो हम भी रहे कोई नया काम सीख ले या सिखा दे। इला एक थे मिया से एक चुल्ली और दूसरा थी नी बूढ़ा तोता जाकर काम सीखी तो कमाई का खा आख है। चुप बे मेरी कम बखत, मैं अपना काम सीखने का बात कर रहा हूँ, पप्पन का काम सीखने का बात कर रहा हूँ। पप्पन पप्पन कहाँ गया पप्पन? पप्पन नहीं है, वो तो भोरे से गायब है। सब बोल देंगे मेरा कौन जी है आज तो धर्मशाला जन्मे करते सब तो जन्मे करता है। 25-30 आदमी आओ जान जाएगा तो क्या है, आओ बता देंगे हमारा का हम बोल देंगे। तो पापा हमारा जाए तो पापा सारे पापा मम्मी जो चल रहे साथ ही चल रहे बात कर रहे चल। आहा क्या गाना है। इन्हें पहचानते हैं आप ठाकुर साहब? शायद ही कोई ऐसे चेक हो जिसमें ये दोनों ना गए। ये वीरू है और ये जयदेव। जानता हूं लेकिन काम कुछ ऐसा है कि मुझे ऐसे ही आदमियों की जरूरत है। ठाकुर साहब मैं ये तो नहीं जानता कि आपको क्या काम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं ये दोनों किसी काम के नहीं। नहीं जलर साहब, अगर एक तरफ इनमें ये सब खराबियां हैं तो दूसरी तरफ कुछ खूबियां भी हैं। खोटा सिक्का तो दोनों ही तरफ से खोटा होता है। सिक्के और इंसान में शायद यही फर्क है। जान बचाने के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूं एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह आ रहा हूं मैं। भाई वाले सलाम। क्या बात है, लगता है आपका मिजाज फरवाया लगता है। क्या करें, कम वक्त एक एक रुपया कमाने के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि चीजों के धंधे बदल दो, हम जैसे बिस्कुट बेचो रुपये घंटी के। क्या करना है, जरा मेरा ब्रेक ठीक करना है। तुम्हारा ब्रेक ढीला है या तो साइकिल के? साइकिल के। लावा 2 रुपया। आपको 8 रुपया। अपन तो यहाँ 56 हुए, केकरा केकरा साथ मरुवत कर जाए। पप्पन आया पप्पन। भाई जान अब बुला रहा है। हमको सुनाई नहीं दे रहा क्या? जी अबू बुलाए मेरे को। दिन भर मटर गस्ती करते रहता है, पढ़ाई लिखाई 13-22 स्कूल में रखता नाम लिखाई। दूसरी मिस्त्री का गैरेज देखा है वही पेट्रोल पंप के पास? जी अबू देखा देखा है, तो कल से वही मरम्मती का काम सीख सब बात हो गया है उनसे।
और पढ़ लिखकर क्या करेगा? डिप्टी कलेक्टर बनेगा, मिस्त्री का औलाद है, मिस्त्री बनेगा। जी अब्बू जैसा आप चाहें। रास्तों पर कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और बताइए जॉन कंप्यूटर का इतना विरोध हुआ, मुखालफत हुआ, आज वही कह के लोगों को रोजगार दे रहा है। आज क्या क्या पढ़ाई का कोर्स नहीं है आपके लिए? मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है और आईटी है, और क्या कहते हैं स्वास्थ्य सेवा वाला पारा मेडिकल है। जाइए पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए, तमाम दरवाजे खुले पड़े हैं आपके लिए। देश का भविष्य आपके बाजू पर टिका है, आप देश के फ्यूचर के भविष्य हैं। हम आपकी अच्छी तालीम की और तरक्की की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की नौकरियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दे रखी है। आज आज़ादी की सालाना वर्षगांठ पर आप सबको मेरी हार्दिक बधाई है। शुक्रिया, करम, मेहरबानी, धन्यवाद। पप्पन उस्ताद, स्कूल में पढ़ने में बहुत मज़ा आता होगा। वो कैसे? नहीं, साथ साथ ड्रेस, रंगीन किताबें, नाश्ता, टिफिन। स्कूल में पढ़े से काम चलेगा? घर चलाना है, पेट भरना है, काम तो कर ही पड़ेगा।